मेरे ही नाम राशि वाले बोल रहे थे, शायद भूल गए हैं कि वो सब्जेक्ट क्या है, या बोलने के लिए कोई बातें नहीं थी, इसलिए जिस पंचायती राज और ग्रामीण विकास का कोई लेना देना नहीं, इस तरह की बातें हम सुन रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि भारत की आबादी आज भी 70% गांवों में निवास करती है, और गांव का विकास देश का विकास है, और गांव के विकास ज्यादा होंगे तभी आम ग्रामीण में रहने वाले, क्योंकि आज आप जानते हैं माननीय सभापति महोदय, हर आदमी शहरों की तरफ दौड़ रहा है, हर आदमी शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, गांवों में रहना की बजाय शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधा है, चाहे मेडिकल की है, शिक्षा की है, और तरह तरह की सुविधाओं के लिए हर आदमी चाहता है कि मैं गांव छोड़कर शहर में जाऊं। आज स्मार्ट सिटियां बन रही है, स्मार्ट सिटियों की बजाय उनके साथ में स्मार्ट आदर्श गांव बने, ताकि गांव के रहने वाले लोग शहरों में जाने का मन नहीं करे, और गांव का विकास ही देश का विकास है। और माने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की कल्पना में लिखा था, देही देवी के भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही ब्यापा, सर सब नर करही परस्पर प्रीति, सलही सब धर्म निरश्रुति नीति। राम राज्य की कल्पना सभी महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत और देश का उत्थान तभी संभव है जब गांवों का संपूर्ण विकास और पंचायती राज जब तक मजबूत नहीं होगा तब देश का विकास संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि आज जब नागौर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर की धरती से पंचायती राज की स्थापना की, और तब से लेकर आज भी कांग्रेस ने हमेशा पंचायती राज की मजबूती के लिए कार्य किया है, मेरा मानना है संविधान के भाग 9 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पंचायती राज संस्था में पर्याप्त स्थान दिया होता तो 43 वर्षों बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया तो आज वंचित वर्ग की स्थिति और बेहतर होती। पंचायती राज को मजबूती कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 11 विभागों को पंचायती राज के अधीन देना एक बहुत बड़ा कदम था, परंतु जो लोग पंचायती राज की मजबूती नहीं चाहते माननीय सभापति महोदय, वो केंद्रीकरण करके चाहते हैं, उन्होंने उन नियमों को निष्क्रिय कर दिया जो गलत है। राजीव गांधी जी का सपना था और पंचायती राज की मजबूती के लिए माननीय राजीव गांधी जी ने जो किया वो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास के संबंध में हमारा जो क्षेत्र है रेगिस्तान है, रेतीला है, और वहाँ पानी के कोई नहरें और अन्य साधन नहीं होने की वजह से आज सबसे बड़ी कोई समस्या गांवों में है तो वो पीने के पानी की, और सबसे कारगर कोई साबित हुआ है तो वो पानी का टांका साबित हुआ है। मैं मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय, जो रुके हुए पेमेंट है उन सरपंचों का भी भुगतान जल्दी किया जाए ताकि जनता को उन पेमेंट का लाभ मिले, और इनके साथ ही अलग से नरेगा में हो या अलग सरकार विशेष फंड देके हर घर में, चाहे खेत में, रहवास में, सभी जगह कोई क्राइटेरिया नहीं, 100% हर परिवार को कम से कम एक टांका निर्माण होने से, क्योंकि हमारा बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, अन्य तमाम रेगिस्तान में टांका के पानी को अमृत के रूप में मानते हैं और सोने चांदी और धन की तरह उन पानी को संजोए रखते हैं, तो इसलिए टांका जितने ज्यादा होंगे बने भी हैं, क्योंकि माननीय मनमोहन सिंह जी ने नरेगा में टांकों का जो प्रावधान किया
सबसे ज्यादा लाभ भी बाड़मेर जिले को मिला है, लेकिन उसमें कई नियम कायदे होने की वजह से हर परिवार को लाभ नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि अलग से फंड देकर राजस्थान सरकार टांकों के लिए विशेष व्यवस्था करे, ताकि पानी साल भर तक उन परिवारों गांवों में रहने वालों के लिए काम आता है। आज अन्य सुविधाएं गांवों में, शायद शिक्षा हो, चिकित्सा हो, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बजट, हर बजट में गांवों के लिए जो सौगातें दी है उनकी वजह से विकास हुआ है। लेकिन शहरों की तुलना में आज भी गांवों में विकास और सुख सुविधाएं कम होने की वजह से हर आदमी की मान्यता होती है, मैं शहर में जाऊं, शहर में रहूं, और जब तक ये पलायन नहीं रुकेगा तब तक गांवों का विकास संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कल मैं सुन रहा था कोटा में जो विकास हुआ उनकी भी बुराइयां हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई मजबूरी है या कोई विरोध करना जरूरी है, दुनिया लोहा मानती है वास्तव में जो विकास हुआ है। माननीय सभापति महोदय, कई तरह की बातें आई और हमारी दूसरी नंबर पीएम आवास में अधिकारी और कर्मचारियों ने गलत आंकड़ा पेश किया, उनकी वजह से जो लाभ लेने के लायक परिवार थे, जिनका आवास गरीब का बनना था, वो आवास नहीं बन सका। वो गलत आंकड़े भेज दिए, जमीनों के बीघों की जगह एकड़ लिख दिया और एकड़ लिखने की वजह से वो लाभ से वंचित रह गए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं उन आंकड़ों को वापस सुधार कर वापस सही रिपोर्ट का आकलन कर मंगवाई जाए, ताकि गांवों में और एक आम मजदूर और किसान गरीब आदमी को आवास का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, अहंकार की भी बातें कई मैंने सुनी, अहंकार किसी का आज दिन तक नहीं चला है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे तीन जातियां रहती है, तीन जातियां नहीं, राजस्थान में सैकड़ों जातियां निवास करती है और सभी रहते हैं, कोई एक दो या तीन जातियां नहीं, सभी रहती है। लेकिन बार बार अभी 15 दिनों से वीरांगनाओं का जो मुद्दा आया, क्योंकि यही गांव से जुड़ा है, ज्यादातर सेना में गांवों में जन्म लेने वाले लोग या सेना में, लेकिन हम शहीदों का सम्मान करते हैं, वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो नाबालिग है, कोई राजनीति हथकंडे अपना कर उन बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि उन शहीद के बच्चों का हक है। बच्चों की जगह दूसरों का ये प्रोपेगंडा और दिखावे की राजनीति और ड्रामा करने वाले लोग सुन ले कि राजस्थान की जनता और हम जनप्रतिनिधि उन शहीदों के हक को खत्म होने किसी भी सूरत में नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में कई स्वीकृतियां एमएलए लेड में देरी के कारण समय पे काम पूरा नहीं होता है, कोई न कोई अड़ंगा डाल दिया जाता है, ये कमी है। पांच पांच बार एक ही काम के लिए बार बार पत्र व्यवहार में समय गुजरता जाता है, या तो पहले क्लियर कर ले कि भाई ये नियम में है या नहीं है। 15 दिन, महीने, 2 महीनों में पत्र मिलता है, आपकी स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। इस प्रकार के मेरा मानना है कि अगर ये समय रहते जल्दी ये नहीं किया गया तो काम समय पर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कोई करोड़ दो करोड़ नहीं, एमएलए लेड 5 करोड़ जो बजट में किया था। मैं आज इस अवसर पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज इतना बड़ा सौगात जो दी है, अगर वो समय पे खर्च नहीं हुआ तो वो काम पूरे नहीं हो सकते। रही बात में धन्यवाद आज इस अवसर पर, कल बंगलों की बात आई क्या, किसका मुंह सूट रहा है, किसका नहीं सूट रहा है। मैं धन्यवाद पूर्व मंत्री थे अमीन खान जी, उनको धन्यवाद देता हूँ क्या, 24 घंटा 2 दिन में जब मंत्री हटे उन्होंने हाथों हाथ खाली कर दिया, और आज मुख्यमंत्री जी ने कई बातें कल सदन में जो आई, लेकिन उनके अलावा माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्लीज सुनिए, नहीं मैं उनको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 लाख परिवारों को 500 रुपयों में सिलेंडर जो दिया है और जो घोषणा की है, माननीय सभापति महोदय,
ऐसा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लेने की हिम्मत अगर है तो अशोक गहलोत जी में है, कांग्रेस की सरकार में, पूरे हिंदुस्तान में मिसाल पेश किए। जब राहुल गांधी जी की भारत यात्रा पर थे तब ही उन्होंने कहा था कि आने वाले बजट में महंगाई कम कैसे कर सके। आज देश में हालात क्या है, महंगाई के कारण गांवों में चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, वो आज उन कम आमदनी के कारण उन घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जो फैसले लिए इस बजट में, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे 1000 रुपया मिनिमम पेंशन का फैसला देने का लिए हो, चाहे बिजली फ्री 100 यूनिट होने से लगभग 95% और विशेषकर गांवों में तो 100% 00 बिल आएगा, ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। तमाम इनके अलावा भी चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे भोजन पैकेट, आज घर बैठे उनको तेल मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, शक्कर मिलेगी, आटा मिलेगा, दाल मिलेगी, चावल मिलेंगे और तमाम भोजन पैकेट जो किट जो ये पहली बार, और उनका बजट कोई 1000-2000 करोड़ नहीं, 19000 करोड़ का राहत पैकेज आम आदमी के लिए जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। सभापति महोदय, इनके अलावा भी कई है। जब दोस्त पूछते हैं कि एक रोज तो हार जाओगे ना, तो मैं कहता हूं मैं मुश्किलों के शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूं, मजबूरियों को पीछे छोड़ मैं परेशानियों से लड़ने आया हूं। जो लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं उन्हें शक होगा शायद अपनी मंजिलों पर, मैं कैसे हार मान लूं, मैं मेहनत के दम पर अपनी मंजिल पाने आया हूं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के अलावा मंजिलें लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा, और चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वे लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। हमारी बहुत बड़ी मांग है और मैं धन्यवाद पूरे सदन के मान्य सभी सदस्यों को और विशेषकर हमारे बाड़मेर जिले के सभी हमारे नेताओं को और सभी विधायकों को के सर समिति से, जो हमारे जिले के लिए ये पहला बालोतरा है जो बाड़मेर जिले में सभी एमएलए एक राय सर समिति एक सहमत है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि अगले जब मुझे बोलने का समय मिला तो मैंने निवेदन किया और मैं खुशी महसूस करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पक्ष और विपक्ष सभी मान्य सदस्यों ने एक ही आवाज में जो समर्थन किया, मैं आप सबका हमेशा आभारी रहूंगा। और आज इस ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मामला है तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट में रिप्लाई वित्त विधेयक पर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुझे निराश नहीं करेंगे। एक जनप्रतिनिधि का नाता, धर्म, जनता की पैरवी करना होता है, मांग करना होता है, और मैंने मांग में कोई कमी नहीं रखी और मुझे विश्वास है कि मुझे निराश नहीं करेंगे और हमारी बालोतरा की उम्मीद जल्द पूरी होगी, यही मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। इनके अलावा हमारे माननीय सभापति महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में जब भाषण दिया करते थे तो लोग मजाक मानते थे कि इस रेगिस्तान में क्या ये संभव है, लेकिन आज जब खजूर की खेती, अनार की खेती और अंजीर की खेती बाड़मेर जिले में हो रही है और आज आधुनिक तरीके से बाड़मेर में शायद पहली बार बड़ी मात्रा में आलू की खेती भी प्रगतिशील किसान ने की है, तो आज बाड़मेर खनिज के मामले में हो, शायद खेती के नवासार के मामले में हो, तो मैं मांग करता हूं कि अनार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट अगर गांवों में लगती है तो गांवों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को मजबूती मिलेगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ये
किसानों की मजबूती और गांवों में रोजगार के लिए ये अति जरूरी है कि ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस यूनिट लगाने के लिए कोई व्यवस्था और प्लानिंग की जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित में जो अलग से बजट जाए हो, चाहे मेडिकल में, पूरे देश में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हुआ है और दुनिया माननीय मुख्यमंत्री जी का लोहा मानती है और विपक्ष भी चिंतित है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। बजट तो शानदार है, बजट जानदार है, लेकिन धरातल पे कैसे आएगा। हमने बार बार कहा कि आप धरातल पे कैसे आएगा, कैसे लाना है, ये चिंता आपकी नहीं, ये चिंता सरकार की है। और मुझे गत बजट में भी यही बातें आई, लेकिन जो जानदार शानदार जो बजट देके हर वर्ग को राहत दी है, इसलिए ग्रामीण विकास हो चाहे पंचायती राज हो, राजस्थान में हमेशा मजबूती से ये फैसले हुए और किसान हित में ज्यादा से ज्यादा हो। और अभी ग्राम विकास अधिकारियों की जो भर्ती हुई उनको भी जल्दी पोस्टिंग देने से कई पंचायतों में एक व्यक्ति के ऊपर दो ग्राम पंचायत है, किसी के पास में तीन ग्राम पंचायत है, ये अतिरिक्त भार होने की वजह से समय पे काम नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, एक टेंडर प्रक्रिया है, पहले सरपंचों को BSR रेट में काम करने का जो अधिकार था, आज टेंडर प्रक्रिया में जो सरपंच के सामने सरपंच चुनाव हारता है वो टेंडर कॉपी लेके बदले की भावना से 40% बिलो रेट में टेंडर भर देते हैं और उनका एक ही मकसद है कि शायद 2 लाख मेरी पेनल्टी लगेगी, मेरे 2 लाख बर्बाद हो गए तो होंगे, लेकिन इनका काम अवरुद्ध कैसे हो सके, इस ग्राम पंचायत में काम कैसे रुक सके। ये बदले की भावनाओं के कारण आज वास्तविक हालात ये है कि काम विकास कार्य रुके हुए, काम समय पे हो नहीं सकता। क्या 40% और 20% बिलों में क्या कार्य मुमकिन है, ये धरातल पे नामुमकिन काम को मुमकिन नहीं कर सकते। इसलिए इनके कोई कड़े प्रावधान किया जाए या पुरानी नियम लागू किया जाए, या टेंडर में भी है तो एक बार जो काम नहीं करता उनके लिए कड़े कानून अपनाया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, तभी संभव होगा कि काम समय पर हो सके। मैंने पुनः निवेदन करता हूं कि टाकों के ऊपर विशेष ध्यान देके टाका अतिरिक्त परिवार को अगर सौगात रेगिस्तान में दी जाती है तो मेरा मानना है पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी होगी, गांव में रहने वाला हर परिवार सुखी होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डेजर्ट रेगिस्तान में मजबूरी है कि उनमें किया जाए, 90% जेनों के पद रिक्त है, उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करके वो किया जाए। बजट में हर वर्ग के लिए जब किया है, सड़कों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग की, हर मांग को जो पूरा किया है, मैं आज इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें जो की कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थक जाऊंगा, तो तमाम जो बातें की है इनके अलावा भी मैं मांग करता हूं, आप सुनिए, आप विश्वास रखें, आज विश्वास रखें, धीरज रखें कि जरूर उम्मीद पूरी होगी। चप्पल भेंट करना चाहता हूं आपकी अनुमति हो। माननीय सभापति महोदय, चप्पल भेंट करना चाहता जल्दी वो मौका मिलेगा आपको। और ये माननीय सभापति महोदय कि हमारे विशेष बाड़मेर में विश्व विख्यात पशु मेला जो गांवों के तिलवाड़ा में लगता है, और पहले तो महीने डेढ़ महीने तक चलता था और तिलवाड़ा में लाखों की संख्या में पशु आते थे और ग्रामीण लोग वही खरीदना बेचना और इनकम का जरिया यही था। आज बैलों की और आधुनिक मशीनरी युग के कारण बैल नाम की चीज नहीं रही और ऊंट भी राज्य पशु तो घोषित कर दिया, लेकिन माननीय सभापति महोदय हालात ये है कि जहाँ लाखों ऊंट बाड़मेर अकेले जिले में हुआ करते थे, आज हालात गिनती के ऊंट रहे, तो ये हालात रही तो नहीं आने वाले पीढ़ी में फोटो में देखने को मिलेंगे कि जैसे डायनासोर देखा था
कि डायनासोर ऐसे हुआ करते थे, इसी तरह ऊंट की हालात भी यही होने वाली है, इनको संरक्षण दिया जाए। कोई राज्य पशु घोषित करने से ऊंट जीवित नहीं रह सकता। तो तिलवाड़ा मेला हो, शायद कन्नाना हमारी लोक संस्कृति लोक नृत्य है, तो इस गांवों में और हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, शायद नाकोड़ा जी हो, विश्व विख्यात जैन तीर्थ, शायद राठौड़ों की कुलदेवी नांगाना हो, इनके लिए सामुदायिक भवन और पार्किंग, सड़क, अन्य जो पैकेज के, ब्रह्मधाम आसोत्रा हो, शायद रानी भटियाणी हो, शायद खेड़ हो, ये गांवों में तीर्थ स्थल है, तो माननीय सभापति महोदय अलग से बजट देके विकास किया जाए। और पुनः मैं निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो मांगा सब पर फाड़ के दिया है, और कल मैं उम्मीद करता हूँ कि बालोतरा जिला भी बनेगा, और माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विराजमान है, तो आपने मजबूती से काम किया। लेकिन पुनः निवेदन करता हूँ कि आप ईमानदार हैं, मजबूत निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फोन आते हैं कि टांकों का पेमेंट नहीं मिला, सरपंच बेचारा जवाब देने की हालात में नहीं है, लोग पेमेंट मांगते हैं, तो आप जो भी फैसला है कम ज्यादा करके उनका तुरंत एक्शन लेके लोगों में जो टांका निर्माण हुआ उनका पेमेंट समय पर मिले। पुनः मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का, मंत्री जी का आभार, और आप सबका आभार कि आपने मेरे बालोतरा और मेरी पीड़ा को समझते हुए आपने समर्थन दिया। पुनः समस्त सदस्यों का आपने सर्व समिति से समर्थन दिया, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद माननीय सभापति।